चलिए खबरों की ओर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल के नए दाम लागू हो गए हैं। भोपाल के पेट्रोल पंप पर ईंधन के दामों का जायजा लिया हमारे संवाददाता दुष्यंत पारेश्वर ने। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेटों में कमी की है और इसी के चलते कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के पेट्रोल पंपों पर भी कहीं ना कहीं ईंधन के दामों में कमी की गई है। अगर पेट्रोल के रेट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 108.65 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल जो है अब मिलने लगा है। हालांकि कल तक यहाँ के रेट जो है वो कहीं ना कहीं 118 रुपये के आसपास जो है वो दर्ज किए गए थे, लेकिन अगर डीजल की बात की जाए तो वहीं डीजल के दामों में भी कमी की गई है और 5 से 7 रुपए तक की कमी यहां पर डीजल के दामों में की गई है। डीजल के दामों पर नज़र डाल ली जाए तो जो 101 रुपए से ज़्यादा ऊपर डीजल जा रहा था वो अब 93.90 रुपए पर पहुंच गया है प्रति लीटर के तौर पर। तो ये कहीं ना कहीं आम जनता को राहत देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। हालांकि तमाम सारे और भी काम अभी बाकी है और राज्य सरकार से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आग्रह जो है वो केंद्र सरकार ने किया है कि वो अपने बेड टैक्स में भी कमी करके जनता को और ज़्यादा राहत दे सकती है। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार किस तरीके का फैसला पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर लेती है ये आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन गणेश के साथ दुष्यंत पारासर, अनादि टीवी, भोपाल।